असलम वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फाइव फैक्ट्राइजेशन एक्सरसाइज है फाइव पॉइंट अलेवन क्वेश्चन नंबर है इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन का पार्ट वन सॉल्व करेंगे पार्ट वन में है एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन एक्स फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बहुत ही ज्यादा सिंपल है सबसे पहले आपने इसे एक बार इसी तरह से उतारना है इसके बाद यहाँ पर हम एक्स प्लस टू वाई इसी तरह से आएगा नीचे आ जाएगा एक्स कॉमन और फिर एक्स माइनस वाई ठीक है डिवाइड का साइन फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस फोर एक्स वाई है तो अगर हम इसे थ्री एक्स वाई प्लस एक्स वाई कर दें तो ये हो गया फोर एक्स वाई हो गया प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है अंदर फार्मूला लगा देंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का ठीक है ये सेम इसी तरह से रहा एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स और एक्स माइनस वाई डिवाइड का साइन अब यहाँ पर कॉमन लेंगे हम एक्स को तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई ठीक है फिर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे प्लस का वाई तो आ जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई ठीक है अपॉन में एक्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई अब सेम ये इसी तरह से उतरेगा x x माइनस वाई डिवाइड अब यहाँ पर देखें x प्लस थ्री वाई कॉमन आ गया और x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में आ गया ठीक है ये x और ये प्लस का y अपॉन x x माइनस वाई और x प्लस वाई ठीक है अब हमने यहाँ पर डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो नीचे वाली वाली ऊपर जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी x plus 2y upon x और x minus y multiply में change होगा तो नीचे वाली value ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा x x minus y और x plus y और ऊपर वाली value जो थी वो नीचे आएगी तो हो जाएगा x plus 3y और x plus y अब जो कटेंगे उसे आपस में काटेंगे x माइनस वाई एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया x x से कैंसिल हो गया x प्लस थ्री वाई इसी तरह से रहा, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई से तो x प्लस टू वाई अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं पार्ट टू है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी देन है ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड है फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बहुत ही ज्यादा सिंपल है एक बार आपने सेम इसी तरह से स्टेपिंग के लिए इस क्वेश्चन को उतारना है इसके बाद यहाँ पर ए को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ए प्लस बी फिर ए को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए माइनस बी डिवाइड का साइन इसी तरह से अब यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पर ए जो ए से कैंसिल हो जाएगा तो रह गया ए प्लस बी और ए माइनस बी ठीक है डिवाइड का साइन होगा मल्टीप्लाई में चेंज तो ए माइनस बी ऊपर चला गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी ऊपर गया और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर ए माइनस बी ए माइनस बी से कैंसिल हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इससे कैंसिल तो क्या रह गया हमारे पास ए प्लस बी आंसर तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर इलेवन का पार्ट वन और टू सॉल्व किया उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज़